बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी में हार के बाद सपा नेता बौखलाए हुए हैं। यूपी में हार के बाद हाहाकार मचा हुआ है, सपा नेता बौखलाए हुए हैं। कोई ईवीएम बदलने की बात कर रहा है तो कोई राष्ट्रवाद का झंडा उठाने का जनता को डंडा मारने की धमकी दे रहा है, तो कोई हार का ठीकरा जनता के सिर फोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये चार तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से हार पर हाहाकार मची हुई है ये हम आपको बताते हैं। जीते तो सुल्तान, नहीं जीते तो ईवीएम बदनाम, ईवीएम पर हम उठाएंगे सवाल। और दूसरी तस्वीर आपके सामने कि किस तरीके से पहले जनता जनार्दन को पूजा जा रहा था और उसके बाद जनता जनार्दन पर ही दोष मढ़ा जा रहा है कि उन्होंने हरा दिया। तीसरी तस्वीर देखिए, राष्ट्रवाद का जो झंडा उठाएगा इन सपा नेता का डंडा उस पर चलेगा, जो साफ सीधे तौर पर वीडियो में धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, और ये वीडियो भी हमने आपको दिखाई थी। चौथी तस्वीर आपके सामने, हार के बाद किस तरीके से हंगामा मचा, हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई भी की गई है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी को किसी से बात की, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही है। उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय उसका संज्ञान ले और सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दे। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा अहम है। इस तरह की बात सामने आई है। ईवीएम बदलने को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वो तेजी के साथ वायरल हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बाबत ट्वीट भी किया है कि हाईकोर्ट और राष्ट्रपति इसका संज्ञान ले। और आइए अब आपको ये वायरल वीडियो सुनवाते हैं। आप गाजीपुर में ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, वहाँ पे मतलब कासिमाबाद था हमारा। कासिमाबाद में पीटासीन अधिकारी हैं। अच्छा, आपका ईवीएम तब बदल लिया तो आपको बोलना चाहिए कम से कम। मैंने बोला, मैंने अच्छा तब क्या बोले उसे? पहले यसको बोला। हाँ, पहले यसको हड़ताना शुरू किया कि 3 मिनट लगेगा पात्रता, नौकरी भी जाएगी और आप जाएंगे जेल। हाँ, देखा भी है हम लोगों ने उस चीज को, देखा भी है कि जो कहते हैं वो कर देते हैं। अब क्या कर लेंगे, थोड़ा सा बाल बच्चा है, पास बाल बच्चा है, क्या कर लेंगे, नौकरी बचाओ बजे। नहीं, लेकिन ये सब तो गलत कर रहे हैं, अभी हो रहा है गलत तो कह दिले हम, मतलब पूरे प्रदेश में गलत है। हम सपोर्टर ना आई भाजपा का, लेकिन गलत तो कह दिले हम उसको। माहौल और जनता के वोट के हिसाब से तो सपा ही आनी चाहिए। सपा ही आनी चाहिए। आप गाजीपुर में ड्यूटी कर रहे थे? हाँ। एक और अखिलेश यादव वायरल ऑडियो के जरिए ईवीएम बदलने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओपी राजभर ने हार का सारा ठीकरा जनता के सर पर फोड़ दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि चुनाव में जनता ने हमारी बात नहीं सुनी, इसलिए हम चुनाव हार गए। ओम प्रकाश राजभर के साथ खास बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता ने। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहला सवाल ओम प्रकाश जी, हार का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? हार का सबसे बड़ा कारण सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। हम 50 सीटें 2000 और 100 वोट के बीच में हारे, अब हार गए हैं तो उसको हार ही कहेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि बेमानी हुई 100%? 10-10 बार रिकाउंटिंग क्यों? 8-8 बार, 6-6 बार, 4-4 बार, जहां हम 800, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 से हारे हैं, वहां 5-5, 6-6 बार रिकाउंटिंग, ये क्या साबित करता है? तो सिराथू में भी डिप्टी सीएम हार गए भाई, क्यों रिकाउंटिंग हुई? अगर समाजवादी पार्टी के लोग नहीं खड़े हुए होते, अगर अपने हक के लिए नहीं लड़े होते, तो क्या पल्लवी पटेल जी को जीतने देते क्या? लेकिन हम धन्यवाद देते हैं उस महिला को, उस नेता को, उस विधायक को, कि अपने हक के लिए उन्होंने एकदम संघर्ष किया और जीत मिली। बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बात करने के लिए। ये थे सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर।
सहारनपुर में सपा प्रत्याशी धर्म सिंह सैनी की बौखलाहट चुनाव हारने के बाद अपनी बिरादरी के लोगों पर सामने आई। बिरादरी के लोगों को वो धमकी देते नजर आए। जो लोग राष्ट्रवाद का झंडा उठा रहे हैं उन्हें मिलेगा डंडा। धर्म सिंह सैनी के बिगड़े बोल का ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कहीं ना कहीं या इतनी जितनी छोटी कमी रही है या मेरी ही बिरादरी पूरी कर देती अगर वह गुमराह न होती। क्या वो गुमराह हुई है या वो अटल अडवाणी बने बैठे रहे हो? वो राष्ट्रवाद का झंडा आप देख लियो उनका कितना बड़ा डंडा होगा। झंडा नहीं डंडा होगा उनका। इस पर अधिक जानकारी के लिए विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, जी मीडिया रिपोर्टर। विशाल, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता बौखला गए हैं अलग अलग वायरल वीडियोस के जरिए, अलग अलग तस्वीरों के सामने जरिए ये साफ देखा जा सकता है। अब हार पर रो ही सकते हैं तो रोइए ना, लेकिन ये बौखलाहट क्यों? नहीं देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर आप देखिए तो जब चुनाव में हार होती है तो राजनीतिक दल हार को स्वीकार करते हैं, उस पर प्रतिक्रियाएं देते हैं। लेकिन जिस तरह से बयान आ रहे हैं और जो बयान सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए कहीं से भी ठीक नहीं होते हैं, उनके मान मर्यादा से ऊपर होते हैं, उन बयानों को देखते हुए साफ तौर पर कहा सकता है कि शायद हार पचा नहीं पा रहे हो। और ये तो चूंकि उत्तर प्रदेश में लगातार ये कहा जाता है कि जब भी ये हारने लगती है पार्टियाँ तो ईवीएम पर आरोप लगाने लगती हैं। और आप देखिए सबके सुर एक साथ अब ईवीएम को लेकर जो है उठने लगे हैं। सभी लोग जो है ईवीएम को दोषी करार दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ईवीएम को दोष देना एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या जो निचली इकाइयों ने काम किया, जो दिक्कतें हुई, जो कमियां रही, उनको दूर करने की जगह राजनीतिक दल होने के नाते आप सिर्फ बिल्कुल ये सब शोभा नहीं देता है। हार गए तो हार गए, उस हार को स्वीकार करना चाहिए। बौखलाहट इस तरीके की सामने नहीं आनी चाहिए। चले विशाल, जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।